स्टूडेंट यू आर वेलकम टू मॉड्यूल वन नाइन फोर ऑफ इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस कोर्स इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री की जो कि हर जगह पर मौजूद है आई एम टॉकिन अबाउट रिटेल अब रिटेल अगर आप देखें तो एक जो बिल्कुल वेरी स्मॉल शॉप कीपर वो भी उसमें शामिल है जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर वो भी उसमें शामिल है जो चेन ऑफ स्टोर हैं यू कैन सी अराउंड कि एक ही जो ब्रांड है वो जूतों का है वो कपड़ों का है उसकी ब्रांच यू विल फाइंड ऑलमोस्ट इन एवरी सिटी ऑफ योर यू नो कंट्री और योर रीजन तो बेसिकली रिटेल इंडस्ट्री भी इट हैज़ बीन एवॉलविंग और काफ़ी इसके अंदर भी जो ना चेंजेस आई हैं जैसे कि बाकी इंडस्ट्रीज में आ रही हैं और एवरी थिंग इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ रिटेल में अगर आप देखें आप कपड़ों की बात करें मैं भी सबसे पहले रिटेल की अगर हम बात करेंगे आप कपड़ों की बात करेंगे जूतों की बात करेंगे आप ग्रोसरी स्टोर की बात करेंगे आप डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करेंगे आप यू you नो know, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें इलेक्ट्रॉनिक्स यू नेम इट यू you नो know. तो इतनी बड़ी रिटेल इंडस्ट्री है दुनिया में कि उन सब के लिए जो यू नो you know, डेटा साइंटिस्ट है अगेन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई हैव पर्सनली सीन जो लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जो लार्ज चेन ऑफ सुपर हैं उनके पास हज़ारों नहीं लाखों आइटम होते हैं लाखों आइटम्स आप यू नेम इट के बच्चों के पेम्पर से ले के, औरतों के कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स और जिम और यू नो यू नेम इट इवन इफ़ यू गो टू अ बिग साइज़ हाइपर मार्केट यू विल फाइंड ऑलमोस्ट एवरी थिंग इन द वर्ल्ड अब सा वो जो चीज़ है अगेन दैट इज़ डेटा कि वो आइटम क्या है किस ब्रांड की है किस मैनूफैक्चर ने बनाई है वो उसका उसकी सेलिंग प्राइस क्या है उसकी परचेज़ प्राइस क्या है यू you नो know, कितने कस्टमर्स को हमने बेची है कितने यूनिट बेचे हैं कितने में ख़रीदे थे कितने यू नो तो रिटेल इट्सल्फ इज़ अ वेरी वेरी यू नो अट्रैक्टिव इंडस्ट्री हम इसमें एक आध इंडस्ट्री जो में मेरे ख्याल में मे बी वील टॉक मोर अबाउट फैशन रिटेल फैशन क्योंकि वो ईजिली अंडरस्टूड है सब के लिए और लोग उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं और एवरी वन हैज एक्सपीरियंस विद द रिटेल फैशन क्योंकि हर बंदा ऑब्वियसली कपड़े वपड़े जूते इस तरह की चीज़ें आप लोग रूटीन में खरीदते हैं तो ये दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड जब हम डिफरेंट मॉडल्स की डिफरेंट यू नो साइज की ये जब बात करते हैं बेसिकली अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा जो फर्ज करें एक गारमेंट स्टोर है तो दे आर सेलिंग लेडीज जेंट्स किड्स राइट अब उसके अंदर वो हर तरह एथनिक ड्रेसेस भी हैं फॉर्मल ड्रेसेस भी हैं कैजुअल ड्रेसेस भी हैं फिर उसके अंदर डिफरेंट साइजेस हैं डिफरेंट कलर्स हैं डिफरेंट पैकेजेस हैं फिर वो कंपनी कभी आप देखेंगे कि क्लियरेंस सेल लग गई कभी इस दिन की सेल कभी उस दिन की सेल यू नो तो अब ये सारी चीज़ें किस तरह से पॉसिबल हैं दिस इज़ ऑल पॉसिबल एंड दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू गाइज आप उसको डेटा साइंटिस्ट के हैं डेटा एनालिस्ट के हैं बट समान हु working on their data, analyzing their data, he is playing a very very critical role in a role in all this whatever is happening here in the retail industry। जो retail technologies हैं, इसके अंदर भी अगेन अगर जब ने जो banking की बात की, हमने telecom की बात की, हमने social media की बात की, social networks की बात की, तो हर जगह पे एक जो कॉमन कैटलिस्ट फॉर चेंज एंड दैट इज़ इंटरनेट इंटरनेट हैज़ मेड इट पॉसिबल के किस तरह से आप जो कनेक्टिविटी है पहले आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती थी उससे पहले मेन फ्रेम होते थे मिनी कंप्यूटर्स होते थे अब आपके पास डेस्कटॉप आए आपके पास लैपटॉप आए फिर अब आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन्स आ गए एंड एवरी वन इज़ बीग कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट इवन कि आपकी जो मोबाइल कंपनी कंपनीज टेलीकॉम कंपनीज दे आर ऑल्सो मेकिंग यूज़ ऑफ इंटरनेट तो इंटरनेट इज़ वन ऑफ द मेजर चेंज इन एनी इंडस्ट्री एंड रिटेल ऑल्सो तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंटरनेट इज समथिंग वेयर एवरी थिंग इज रनिंग ऑन टॉप ऑफ इंटरनेट तो इंटरनेट और फिर उसके बाद जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है फिर आपके बार कोड आ गए बार कोड स्कैनर्स आ गए फिर क्यू आर कोड आ गए क्यू आर स्कैनर्स आ गए आपके आई ओ टी आ गए आपकी जो आर आई एफ कोड्स आ गए यू नो एंटी स्टीलिंग सिस्टम आ गए आपने देखा होगा कि कई रिटेल स्टोर पे अगर कोई बंदा इवन इफ दे हैव पेड वो निकलता है तो टाइम देर इज़ अलार्म वो अलार्म बेसिकली उस उसमें एक कोड लगा होता है उस प्रोडक्ट में जो कि सेल्स मैन की या कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब वो चीज़ बिकती है तो वो उसको वो डीएक्टिवेट करे तो सम टाइम दे फॉगेट और वो चीज़ फिर अलार्म करती है या फिर इवन के वो उसको बेसिकली उसको एंटी स्टीलिंग अलार्म कहते हैं तो अगर खुदा ना खास्ता कोई रॉन्ग इंटेंशन के साथ भी चीज़ें लेके जाना लेके जाना चाहे किसी स्टोर से तो दे आर ईज़िली आइडेंटिफाइड तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपकी रिटेल में यूज़ होती हैं रिटेल में अब जो सिस्टम है आपके पास सबसे जो इम्पोर्टेंट है आई थिंक दैट इज़ पॉइंट ऑफ सेल अब पॉइंट ऑफ सेल क्या चीज़ है जब आप जाते हैं आप कहीं पे वो वहाँ पे कैशियर एक कैशियर होगा एक अटेंडेंट होगा जिसके पास स्कैनर होगा एक कंप्यूटर पड़ा होगा वो आपकी आइटम जो भी आपने ली है उसको स्कैन करेगा अगर आपने कार्ड से कैश से पेमेंट किया उसको उसमें एंटर करेगा तो दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल और जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है वो बैक एंड पे कनेक्टेड है एक पूरे इन्वेंट्री कंट्रोल के साथ आप देखेंगे कि एक ही स्टोर में सम टाइम दस पंद्रह बीस भी पॉइंट ऑफ सेल्स होते हैं उनको टिल्स भी कहते हैं एक स्टोर के अंदर इफ़ यू गो टू अ बिग हाइपर मार्केट और बिग स्टोर यू विल नॉर्मली फाइंड दो चार पाँच दस वो जो उनके कैशियर या काउंटर्स होते हैं अब इमेजिन करें कि एक ही चीज़ है मैं भी ख़रीद रहा हूँ आप भी ख़रीद रहे हैं हर स्टोर स्टोर के हर काउंटर पे अगर एक ही चीज़ एक टाइम पे बिक रही है तो स्टिल जो सिस्टम है उसको पता है कि ये आइटम और है ये आइटम और है बेशक उनका वो जो आर्टिकल एक है बट स्टिल एवरी थिंग इज़ डिफरेंट फ्राम दी अदर एंड वाई इट इज़ हैपनिंग एंड हाउ इट इज़ हैपनिंग दिस इज़ हैपनिंग वाई बिकॉज दे वॉन्ट टू कंट्रोल इट एंड हो इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो बार कोडिंग टेक्नोलॉजीज़ है आपकी वो इसमें आपको हेल्प करती हैं फिर आपके पास जो वेयर हाउस मैनेजमेंट के सिस्टम है कितना स्टॉक पड़ा मोस्टली कंपनी दे हैवे सेंट्रल वेयर हाउस जितनी उनकी परचेजिंग होती है वहाँ पर आता है दैन दे सेंड इट टू डिफरेंट ब्रांचिज़ और फिर अगर उनके कोई सब स्टोर हैं वहाँ पर भेजते हैं स्टॉक फिर वहाँ से जो रिटेल ब्रांचिज़ हैं वहाँ पर जाता है या इवन जो स्टोर्स है अब वो आपकी जो ऑनलाइन शॉपिंग जो ई कामर्स बेस्ड सेल्स हैं अब देखिए कि इस वक्त अराउंड द वर्ल्ड ऑलमोस्ट एवरी बिग ब्रांड दे हैव देयर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जहाँ से वो सेल करते हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके स्टॉक की वो उन्हीं स्टोर्स के थ्रू होती है बट दे द सेल्स चैनल और द सेल्स बुकिंग चैनल इज़ डिफरेंट लेकिन वो सेल जो स्टॉक की जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिलीवरी है वो वहीं से होती है तो ब्रांच से नहीं और बल्कि स्टोर से होती है और फिर स्टोर से डिफरेंट राइडर्स या डिफरेंट जो डिलीवरी की टीमें हैं वो डिलीवर करते हैं टू देयर रिस्पेक्टिव एरियाज़ फिर उसके पीछे फाइनेंस का सिस्टम है जिसने ये देखना है जी कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ फिर उसके पीछे उनके प्लानिंग के सिस्टम्स हैं जहाँ पे डिज़ाइनर्स काम करते हैं प्रोडक्ट मैनेजर्स काम करते हैं वो अपनी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस देखते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट मैंने प्लान किया था उसकी जो बिज़नेस वैल्यू है क्या वो उतने पीस जितने हमने प्लान किए थे बिक पाए हैं या नहीं पाए तो दीज आर सम ऑफ़ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिटेल इंडस्ट्री और यही चीज़ जो हमने रिटेल फैशन की बात की दिस इज इक्वली एप्लीकेबल टू योर यू नो ऑटोमोटिव टू टू एन एनी अदर इंडस्ट्री पर से यू नो सो आई होप के ये जो इंडस्ट्री इन है इट विल मेक यू मोर एक्साइटेड यू नो टू वर्ड यूर सक्सेसफुल करियर इन डेटा साइंस थैंक यू